कोहनी उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। नवें राउंड में जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि नवें राउंड में जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री विजेंद्र यादव और शीला मंडल ने महागठबंधन के जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जदयू प्रत्याशी की जीत होगी। विजेंद्र यादव ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि गुजरात में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने गली गली घूमकर चुनाव का प्रचार किया है। जीत जो संभावनाएं हैं वो परिलक्षित हो रही है, लेकिन आज तो काउंटिंग एक दो घंटा में रिजल्ट आ ही जाएगा। विश्वास है सर? जो जानकारी मिली है, जो आधार है वोट का, उसके आधार पर तो निश्चित रूप से जीत होनी चाहिए, मार्जिन जो भी हो। गुजरात में बीजेपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो गुजरात में तो प्राइम मिनिस्टर जब गाँव गाँव टोल टोल मोहल्ले मोहल्ले गए। देश का कोई प्रधानमंत्री आज तक ये नहीं किया था कि किसी एक राज्य में इतना ज़्यादा घूमा हो, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ से उनकी सरकार थी। हिमाचल में मामला सीटों पर आगे चली गई है अंतिम तौर पे। पहले जो आप लोगों का मीडिया लोगों का ही जानकारी था कि वहाँ टॉप फाइट है, वहाँ एक बार बदलती है सरकार, एक दूसरी बार दूसरी सरकार आती है, तो परम्परा रही है। एमसीडी में भी सुपड़ा साफ हो गया। हम लोगों का क्या वहाँ था, हम लोग केवल लड़े थे अपने प्रेजेंटेशन के लिए, जो भी वोट मिल गया हमारी कुंजी हुई। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस वालों को पूछिए, दूसरे पार्टी में हम कमेंट नहीं कर सकते आपके गठबंधन के हिसाब। अरे अभी अब हमारे सीनियर लीडर यहीं बैठे हुए थे, बताए ना कि हम लोग का जीत सुनिश्चित है और आप देख रहे हैं कि काउंटिंग हो रहा है, तो अभी हम लोग का जदयू का बढ़त चालू हो गया है। जब खाता खुल गया तो आगे खुलते ही रहेगा और बढ़त होते बढ़ते ही जाएगा। बीजेपी के प्रत्याशी देखिए, अभी आपने ही कहा ना कभी आगे हुए थे, अब नहीं होंगे, अब हम लोग आगे होंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं पटना से हमारे सहयोगी बिट्टू गिरी से। बिट्टू, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए कुर्नी में एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और अच्छा जो 20 राउंड की जो गिनती है वो हो चुकी है और 1151 वोट से बीजेपी जो है वो आगे चले। आपको बता दूं कि केदार प्रसाद गुप्ता जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनका 6772 मत है, वही मनोज कुशवाहा जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनका 6065621। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उतार चढ़ाव की जो बातें आ रही थी, नौवें राउंड तक जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद पाटा पलटा और उसके बाद जो है महागठबंधन के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे थे। 19 राउंड और 20 राउंड में यह क्लियर होते नजर आ रहा है कि जो एनडीए के प्रत्याशी है वो 1151 वोट से आगे चल रही है। बिट्टू, नवे राउंड में जिस तरह से जदयू आगे चल रही है, लेकिन इसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जदयू अभी से ही अपनी जीत को सुनिश्चित कर चुकी है। देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कुछ में चुनाव हो रहे हैं, मतगणना जो केंद्र है वहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अभी से ही जीत सुनिश्चित मान रहे हैं और कह रहे हैं कि 3000 वोटों से हमारी जीत हो गई है और अभी 20वें राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है, जिसमें 1151 वोट से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं केदार प्रसाद गुप्ता वो आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब जीत करती नजर आ रही है। बिट्टू, बीजेपी इस चुनाव में, इस वोट में, मतगणना में जो है 56 वोटों से आगे चल रही है, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए अभी जहाँ पे चुनाव मतगणना हो रहा है, मतगणना केंद्र पर जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनका कहना है कि हम लोग की जीत जो है वो हो चुकी है और 3000 वोट से जो बीजेपी के प्रत्याशी है केदार प्रसाद गुप्ता उनको जीत मान रहे हैं और अभी 20 राउंड की जीत हुई है और 1151 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के प्रत्याशी है वो आप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिट्टू, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।